आज हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुंची है कोसी, यानी कि मथुरा वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, और जनता जनार्दन से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति उठापटक देखने को मिली, केंद्र ने कई नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजा, यानी कि लखनऊ भेजा। 2024 में यदि बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल, उसके बाद जनता किसको एज ए प्रधानमंत्री पसंद करती है, चलिए हम बातचीत करते हैं। बाबू जी, क्या लग रहा है, अगर अमित शाह और योगी जी की बात की जाए तो आपको प्रधानमंत्री का चेहरा कौन 2024 के बाद नजर आता है? वैसे तो दोनों बढ़िया है, लेकिन अमित शाह पहले नंबर पर। अमित शाह पहले नंबर, पहले नंबर। भैया आपको क्या लगता है, योगी या अमित शाह? नहीं, दोनों में से अगर मैं आपको चुनने के लिए कहूँ तो आपकी पसंदीदा चेहरा कौन सा है? अमित शाह। अमित शाह। योगी? योगी सेकंड पे। योगी सेकंड पे, प्रथम अमित शाह, योगी सेकंड पे। भैया क्या लग रहा है आपको, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे आज हम सर्वे कर रहे हैं, अमित शाह और योगी जी को अगर आपको चुनना हो तो कौन आपको पसंद है? हम तो योगी जी को ही चाहेंगे, वो बहुत अच्छे आदमी, फैसला धड़ाधड़ करते हैं, और उन्हीं को चाहेंगे। अगर अमित शाह हो जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे योगी जी को। प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए तो दो चेहरों में से आप किसे पसंद करते हैं? एक तरफ अगर मैं अमित शाह की बात करूं और दूसरी तरफ योगी की बात करूं, इन दोनों में से, या फिर विपक्ष का कोई चेहरा आपको ऐसा नज़र लग रहा है कि योगी? अमित शाह नहीं, नहीं मतलब हमें योगी पसंद है। आप चाहते हैं कि मोदी के बाद योगी का नंबर? हाँ, योगी का नंबर। देखो साहब, भैया आप हमें ना अमित शाह अच्छा लग रहा, ना योगी अच्छा लग रहा, हमें इनमें से एक अच्छा ना लग। आप किसको देखते, अगर प्रधानमंत्री की बात करूं मैं मोदी के बाद? हाँ, मोदी हमें तो ना मोदी लग रहा, ना प्रधानमंत्री लग रहा, हमारे अपने किसान अच्छे लग रहे हैं। हाँ, किसान की भी बात की जाए, किसान परेशान है। अरे योगी ना किसान सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और ये सारे मंत्री और संतरी अतकाए हमारे किसान ने, ये सब परेशान कर रहे हैं। हाँ, और जो हाँ करके ना कर रहे हैं, हर एक चीज में ना कर रहे हैं, और महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये मोदी तो बढ़ा रहे हो महंगाई है, और अमित शाह और मोदी तो बढ़ा रहे हैं ये महंगाई है। बाबू जी, अगर 2024 यानी कि मोदी जी के बाद अगर चेहरे की बात की जाए तो आपकी पसंद प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? अमित शाह जी। अमित शाह जी? जी। लोग कह रहे हैं कि योगी जी अच्छे रहेंगे। नहीं, योगी जी नहीं, अमित शाह जी प्रधानमंत्री के लिए, तो अमित शाह जी। योगी जी एक राज्य स्तर तक ही सीमित हैं, लेकिन आगे के लिए केंद्र के लिए अमित शाह जी के अलावा फिलहाल कोई नहीं। अमित शाह के अलावा? जी। और विपक्ष में बात करूँ, राहुल गांधी अगर हो गए, या फिर अखिलेश यादव, या फिर ममता बनर्जी? नहीं, नीतीश कुमार बहुत बड़ा नाम है, पिछली बार भी रेस में थे। नहीं, अभी नीतीश कुमार जी नहीं, अभी तो इस वक्त या तो राजनाथ सिंह हैं, या फिर अमित शाह जी हैं, या मोदी जी हैं, फिलहाल तो इन्हीं पर ही बागडोर होनी चाहिए। आपकी पसंद? प्रथम में तो मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद में अमित शाह जी। योगी जी का भी नंबर? नहीं, अभी नहीं। मैं अगर अमित शाह और योगी में आपसे कहूं कि अमित शाह जी और योगी जी में आप फैसला कीजिए? योगी और मोदी तो कभू का ना रहो जीवन में। अच्छा, हाँ सुन लो, क्यों कह जाना, काम ही ऐसे कर रहे हो। क्या मतलब महंगाई बढ़ा दी? महंगाई बढ़ा दी, सब चीजें पेट और ले और वो ले और सब, कौन से तेल ले और कौन सी, सब सौदा महंगाई को है। गरीब आदमी में, हाँ गरीब मार रहे हैं, घर बैठ रहे, काम बंद है, काका करें बाल करने भूखे मारे। अच्छा, हाँ। 2022 में सरकार रहेगी या बदल जाएगी? बदलेगी सर। कौन आएगा? अखिलेश। अखिलेश यादव में क्या जादू? जादू तो बहुत है, युवा नेता अखिलेश नेता, युवाओं की शक्ति अखिलेश। पिछली बार भी सरकार में थे, 5 साल सरकार चलाई, तो अगर काम किया था युवाओं के नेता, तो युवाओं ने हरा क्यों दिया? हराया नहीं था उसे, हराया नहीं था। ईवीएम की कलाकारी थी, जैसे ईवीएम हैक हो जाएगा ऐसे तो नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे, होगा लेकिन युवाओं की शक्ति है इस बार। बाबा मैं यूं कह रहा हूँ, 2024 के बाद अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो तुम्हें कौन नजर आ रहा है, योगी और अमित? मोदी और योगी? मोदी 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 योगी दोनों आ रहे हैं। अमित शाह भी तो आते हैं? अमित शाह भी तो आते हैं? अमित शाह तो भी पैदल पैदल चल रहे हैं, मतलब वो बात ना है। अच्छा, मोदी के बाद कौन आएगा? मोदी के बाद योगी। 2024 अगर मोदी जी रिटायर होते हैं, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री कैंडिडेट बीजेपी में आप किसको देखते हैं चेहरा? योगी। योगी क्यों? अमित शाह भी तो हैं, राजनाथ सिंह है, बड़े लीडर है। इतने हमें नॉलेज ना, हमें तो बस दो ही दिख रहे हैं जाकर बस। अच्छा, हाँ।
मोदी के बाद योगी। 2024 की भैया जी बात की जाए तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप उसके बाद किसको देखते हैं, योगी जी अमित शाह जी दोनों में बात की? योगी जी को। अमित शाह क्यों? क्योंकि वो इतना लोकप्रिय नहीं है ना जनता में, योगी और मोदी ज्यादा लोकप्रिय। आपको लगता है कि योगी जी ज्यादा लोकप्रिय है? अमित शाह बहुत बड़े लीडर है, वो लीडर है पर उनका चेहरा नहीं है जनता में, नहीं अगर वो प्रेजेंट में भी आ जाए तो वो कुछ ले नहीं पाएंगे। आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल बन जाए, केजरीवाल की सब जगह सीट क्लियर रह जाए प्रधानमंत्री। हाँ सब जगह सीट क्लियर हुए केजरीवाल प्रधानमंत्री। हाँ केजरीवाल ही कह रहा हूँ मैं तो, ये सबने चोर है, मैं केजरीवाल को दूंगा भाई वोट। अगर यहां तो कोई लड़ो केजरीवाल की पार्टी थे आप आदमी थे तो मैं भाई को दे जाऊंगा, नहीं नोटा कर जाऊंगा। नोटा कर जाएंगे भैया? आपको क्या लग रहा है? नोटा कर देंगे, कह दे जो कह रहा सही है, नोटा कर देंगे, नोटा कर देंगे, कुआं में गिर जान दे। हाँ केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़िया काम कर रखे हैं।